सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। हम बात ईपीएफओ यानी भविष्य निधि संगठन के कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको ये हायर पेंशन क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95-65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन को लेकर जारी हुआ बहुत बड़ा अपडेट जिसमें कि आपकी पेंशन बजट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना बताई जा रही। अभी भी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर मिली है जिसके अनुसार पेंशन धारक उनका फाइनली 10 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यानी कि एनएसए की आपकी बैठक हुई, उसके बाद जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन को लेकर क्या नया अपडेट जारी किया है जिसके अनुसार आपकी पेंशन की राशि में अब कितनी बढ़ोतरी होगी और केंद्र की नई सरकार अब आपकी पेंशन में क्या बदलाव करने जा रही है और वित्त मंत्रालय से आपकी पेंशन को लेकर अभी भी 5 मिनट पहले की महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई जिसके अनुसार पेंशन पर नया सर्कुलर भी जारी हुआ है और नया प्लान को लेकर हुई बैठक एनएसए की बैठक अंदर और बाद में आपकी सीबीटी की बैठक हुई पेंशन को लेकर, उसमें भी महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए जारी हुआ है। तो अब आखिर आपको 1,000 रुपए की जगह पेंशन अब कितनी मिलेगी, 7,500 रुपए, 8,500 रुपए या फिर 9,000 रुपए की पेंशन, तो इसको लेकर महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए जारी हुई है। ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए अर्जेंट अपडेट होने वाली, बजट से पहले शानदार तोहफा आपको मिलने जा रहा है। तो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी को जानेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आगे की जानकारी को विस्तार से। तो आपकी पेंशन को लेकर इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना बताई जा रही कि आपकी पेंशन को लेकर वित्त मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेंशन ईपीएस की राशि बढ़ाने को लेकर जिसमें कि आपकी पेंशन है जो कि पहले 1,000 रुपए की मिलती थी अब उस जगह नया पेंशन लागू किया जाएगा, साथ में नए नियम भी होंगे जारी। तो वैसे में इसको लेकर क्या आखिरी अपडेट हुआ है पेंशन को लेकर फाइनली फैसला बताया जाए तो वैसे में अब आखिर आपको पेंशन कितनी मिलेगी, 10 सालों का इंतजार सरकार खत्म करने जा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी गुड न्यूज होने वाली है। तो आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है, साथ ही जो ओपीएस की बाले को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे थे तो ओपीएस की बाले को लेकर क्या अपडेट होने वाली है वो भी जानेंगे। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की होने जा रही है मौज, सरकार को पेंशन धारक है उनकी कमेटी के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव जिसमें कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी। तो आखिर आपकी जो 1,000 रुपए की पेंशन जो मिलती है उसे उस प्रस्ताव के अंदर क्या मांग की है कि कितना पेंशन राशि लागू किया जाए, तो 1,000 रुपए की राशि बढ़ा करके 9,000 रुपए के साथ में पेंशन धारक है उनको डीए दिया जाए। तो वैसे में यह मांग को लेकर सरकार को पेंशन धारक वर्ग और उनके द्वारा यह कमेटी के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव है जिसके अनुसार पेंशन धारक उनकी पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा जल्द ऐलान किया जा सकता है बजट से पहले। तो वैसे में सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है तो वैसे में आपकी ईपीएस पेंशन की राशि यहां पर बढ़ाई जा सकती है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भी अपडेट बताया जा रहा है कि बजट से पहले इसको लेकर फाइनली फैसला होने वाला है पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर जिसमें कि 9,000 प्लस एडीए के साथ में आपको पेंशन मिलेगी, साथ में आपकी हायर पेंशन है और मेडिकल की सुविधा, इसके बारे में भी ताजा अपडेट बताया जा रहा है। तो वैसे में आप सभी को कितनी अब मिनिमम पेंशन मिलेगी तो 9,000 प्लस एडीए की लेकर मांग की गई है, लेकिन फिलहाल इस प्रस्ताव को सहमति यानी कहे तो या फिर मोहर लगाए तो ऐसा फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब ये प्रस्ताव भेजा गया पेंशन धारक है उनके द्वारा कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे, लेकिन सरकार आपकी पेंशन की राशि में कितना इजाफा करेगी तो इसको लेकर कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिली है। तो वैसे में आपकी जो ओपीएस है वो कब तक बहाल होगी, ओपीएस को लेकर और 8वां वेतन आयोग है उसका गठन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है। तो वेतन आयोग का यहाँ पर आपकी इस मुद्दों को लेकर गठन हुआ है जिसमें कि पीएम मोदी और डीओपीटीए मंत्री के पास यूं पहुंचाई गई पेंशन की मांग और सरकार को पत्र जिसमें की पेंशन की प्रमुख मांगे थी ओपीएस की हो एनपीएस की हो जिसमें की संशोधन जो पेंशन धारक है उनका मंजूर नहीं होने एनपीएस उन्हें यानी मंजूर नहीं उन्हें ओपीएस बहाल किया जाए, फिर से यानी 2004 से बंद हुई ओपीएस का उन्हें फायदा दिया जाए। तो वैसे में इस तरह की जो पेंशनर्स की काफी लंबे समय से लंबित मांगी थी उनको लेकर ये प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया था। तो वैसे में उस प्रस्ताव के अंदर ईपीएस पेंशन भी शामिल है। तो प्रमुख जो केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनर्स है उनकी प्रमुख मांगों को लेकर ये प्रस्ताव यानी कि सरकार के पास पहुंचाया गया। तो वैसे में सरकार इसको लेकर क्या नया एक्शन लेती है, तो वैसे में ओपीएस की अगर बात करें डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में जो आईएफडीएफ के महासचिव जो कि आईडीएफ के महासचिव ने के द्वारा जो श्री कुमार ने कहा है कि रक्षा सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों की विभागीय काउंसिल जेसीएम और नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक नियमित तौर पर होनी चाहिए। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसी के संयोजक एवं आईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जो 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र में आग्रह किया था कि जो जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में जो आए कर्मचारी है उनके लिए पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, यानी कि आपकी प्रमुख मांगों को लेकर यहां पर मोदी सरकार को पहले भी यानी कि आग्रह किया गया था कि पेंशन धारक उनके द्वारा कि उनकी प्रमुख लंबित पड़ी मांग है जैसा कि ओपीएस का वो मांग या फिर ईपीएस पेंशनर से उनकी मांग हो या फिर 18 माह का डीए एरियर से लंबा पड़ा यानी कि काफी लंबे समय से ये प्रस्ताव है जो कोरोना काल के अंदर रुका हुआ
एरियर है वो जारी करना हो, तो इस तरह की जो बहुत सारी अनकी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की उनकी मांगे लंबित पड़ी थी उसको लेकर सरकार से आग्रह किया गया और सरकार को यानी नोटिस जारी करके यानी पेंशनर्स ने पत्र भेजा है जिसके अंदर सरकार अब नया एक्शन इस मुद्दों को लेकर क्या लेती है। तो नई सरकार के गठन के साथ यानी कि संगठन कर्मचारी वो सक्रिय हो चुके हैं, पेंशन को लेकर अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार से मांगे जारी करें। तो वैसे में सरकार अब नई सरकार के गठन के बाद जो बजट पेश किया जाएगा पहला बजट के अंदर आपको क्या यानी कि तोहफा मिलता है, तो पेंशनधार को तो उम्मीद थी पहले भी उन्हें यानी कि चुनाव से पहले उम्मीद थी कि सरकार जो चुनाव से पहले जो कई बार उन्हें आश्वासन मिला था कि उनकी पेंशन की राशि में इजाफा किया जाए लेकिन पहले उनको इजाफा नहीं मिला, तो अब उम्मीद है बजट के अंदर की जारी की बजट के अंदर पेंशन से उनको राहत मिलेगी। तो वैसे में यहाँ पर सरकार को यानी कि ये ओपीएस से जुड़े प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर कहा गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी समय आए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वाली पर गंभीरता से सरकार विचार करे यानी कि इसको लेकर जल्द से जल्द फैसला करे। इसके साथ ही बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो 8वां वेतन आयोग है उसके गठन की भी घोषणा सरकार जल्द से जल्द करे यानी कि 8वां वेतन आयोग उसका गठन किया जाए सरकार के द्वारा, ये भी सरकार से मांग की गई है। और दूसरी तरफ स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के जो सचिव श्री कुमार ने कहा कि 11 जून को जो यानी कि डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 21 मांगों वाला एक पत्र भेजा गया था, यानी कि यहां पर आपकी पेंशनर्स की प्रमुख छोटी बड़ी मांगों को मिलाकर के 21 बड़ी मांगों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कि ईपीएस ओपीएस डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रमुख लंबित पड़ी मांगे रिविजन उसको लेकर यानी कि 21 मांगों वाला जिसमें कि प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कि ओपीएस आपका था और कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 मांग का डी एरियर सीजीएचएस और एलटीसी सहित दूसरी कई मांगे भी इसमें शामिल थी जो कि सरकार को इन मांगों को लेकर यह प्रस्ताव यानी कि पत्र सौंपा गया। तो वैसे अब सरकार इसको लेकर नया एक्शन क्या लेती है, तो मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र उसके अंदर कहा कि अपनी सोच के अनुसार भारत के विकास के संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे, यानी कि सरकार है जो भारत के विकास का जो संकल्प ले रखा है वो अवश्य पूरा करेंगे लेकिन ऑल इंडिया रेलवे जो मेंस फेडरेशन के करीब 9 लाख सदस्य सरकार की योजना में अवश्य सहभागी रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि आईआरएफ के 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित जो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रेरणादायक संदेश भेजा था तो उसमें क्या जवाब दिया गया था, तो शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है फिर से और इसी में अपनी पुरानी पेंशन की बाली की मांगे हो 8वें वेतन आयोग के गठन की बात हो, तो इस तरह की जो इस प्रस्ताव के अंदर यानी कि 21 मांगों को शामिल किया गया जो कि लंबित पड़ी मांगे है जो पेंशन से केंद्रीय कर्मचारी रिविजन डीए एरियर ईपीएस ओपीएसएस यानी कि इस तरह की जो बहुत सारी यानी कि आपकी मांगे थी तो उन मांगों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया। तो डीओपीटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर अपने पत्र में आईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने भी रक्षा सहित सभी केंद्रीय जो कि मंत्रालय में विभागीय काउंसिल जेसीएम और नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक नियमित तौर पर होनी चाहिए इस तरह की मांग की है, तो प्रभावी कामकाज के लिए समय पर बैठकों का होना बहुत ही जरूरी है तभी पेंशनर्स हैं उनकी लंबित पड़ी मांगे हैं और बाकी जो मुद्दे हैं जिनको लेकर निर्णय हो पाएगा। तो 7वें सीपीसी जो पेश किया है उसके अनुसार जो रक्षा विभाग है उनके सिविल कर्मचारी उनकी नाइट जो ड्यूटी होती है जो आपका उसके अनुसार जो अलाउंस की पेमेंट का आदेश भी जारी किया जाए यानी कि उनको अलाउंस का आदेश अनुसार यानी कि फायदा दिया जाए। तो केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए स्विच ओवर द 7th सीपीसी का यानी कि एक विकल्प और दिया जाए यानी कि यहाँ पर 7th विकल्प का यानी कि सीपीसी को लेकर यहाँ पर मांग की गई कि यह भी कर्मचारी को लाभ मिले, तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए जिन्हें कि 31 दिसंबर 2015 तक की पदोन्नति मिल रही है और लेकिन उनका वेतन 1 जनवरी 2016 को यानी कि पाए गए जूनियर से कम है। तो कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने 18 माह का डीएडीआर जो फ्रीज कर दिया था तो वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, तो इस तरह की जो प्रमुख मांगे थी उनको लेकर यहाँ पर मांग की गई है। तो और भी साथ में मांगे की गई केंद्र सरकार में पेंशनर्स के लिए पेंशन का परिवर्तित भाग 15 साल की बजाय 12 वर्ष किया जाए यानी कि जो 15 वर्ष की अवधि उसको घटा करके 12 वर्ष किया जाए और संसद की स्थायी जो समिति उसकी सिफारिश के अनुसार हर जिले के सीजीएस वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाए, तो बिना देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करे सरकार और जो कि केंद्रीय कर्मचारी को जो कि एलटीसीएससी की सुविधा लेते हैं तो उनको जो यानी कि यहाँ पर एयर टिकट है अधिकृत एजेंट की बजाय उत्तर पूर्व जो J&K की तर्ज पर दूसरे यानी कि जो एजेंट से लेते हैं तो एक बार की उनको भी छूट प्रदान की जाए। तो रक्षा क्षेत्र के कर्मी है उनको भी 300 प्लस की 30 दिन की जो ईएल इजाजत दी जाए, तो वैसे में नॉन एनडीएल जो कर्मी के उनको भी इसका फायदा दिया जाए। तो आईडीएफ महासचिव ने उक्त मांगों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया, तो सरकार इसको लेकर अब नया एक्शन क्या लेती है, उस एक्शन के अनुसार आपकी प्रमुख मांगों को लेकर फैसला होने वाला है कि आपकी ईपीएस पेंशन बढ़ेगी या फिर ओपीएस पर से बाल